लेट्स बिगिन अगेन विद लेसन नेशनलिज्म इन यूरोप। 19th सेंचुरी याद रखना है, यूरोप में रेवोल्यूशन आया इन 19th सेंचुरी, एंड देन स्टार्ट विद द टुडे वी विल डू इट पेज वाइज। फर्स्ट इज प्रिंट, ये प्रिंट की पिक दे के पूछा जा सकता है आपको इसके बारे में, इज इट क्लियर? कि ये कोर प्रिंट्स हैं फ्रेडरिक सोरियो के, योर पूछा जा सकता है 1848। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी, हाथ में क्या क्या है? बिफोर द स्टैचू, लीडिंग द प्रोसेशन द कंट्रीज, यू नो इट वेरी वेल, एंड फ्रॉम द हेवन हु गेज्ड अपॉन दिस सीन। दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम दिस पिक, एंड हु प्रिपेयर्ड इट? फ्रेडरिक सोरियो। फ्रेडरिक सोरियो डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक, उसने वर्ल्ड को शो किया डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट, सोशल रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक एंड सोशल, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरियो इन 1848। ड्रीम उसका जो था वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। लिसन अगेन, ये भी पूछा जा सकता है डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, वर्ड लर्न रखना है, यहाँ पे डिक्टेटरियल ऐसे कुछ भी दे सकते हैं, मोनार्किकल, तो यू शुड लर्न डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, बाकी तो आपको आता है, एब्सोल्यूटिस्ट आपको आता है। नेक्स्ट इज यूटोपियन विजन ऑफ द सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट नेवर एग्जिस्ट, ये उसका ड्रीम था, पता है ना फ्रेडरिक सोरियो का। नेक्स्ट इसके बारे में पूछा जा सकता है अर्नेस्ट ब्रेनन, तो यू हैव टू रीड ओनली बिकॉज नो नीड टू लर्न, आपको ऑप्शंस में से बताना होगा। अर्नेस्ट ब्रेनन लेक्चरर थे सोरबोन यूनिवर्सिटी, फ्रेंच फिलोसोफर लेक्चरर ऑफ सोरबोन यूनिवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज फिर आपको ईयर्स बताए हुए हैं 1882, 1883, 1892, तो ये क्वेस्ट सी क्वेन नेशन, वर्ड देके पूछा जा सकता है ये वर्ड क्या डिपेक्ट कर रहा है। क्वेस्ट सी क्वेन, इट्स रिटन हियर क्वेस्ट सी क्वेन, इट्स रिटन हियर क्वेस्ट सी क्वेन नेशन, व्हाट डू मीन बाय दिस? तो आपने कहना व्हाट इज अ नेशन, व्हाट इज अ, तो यू हैव टू लर्न लाइक दिस। प्लेबिस्काइट देके पूछा जा सकता है, प्लेबिस्काइट मींस डायरेक्ट वोट बाय विच होल इलेक्टोरेट इज आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रपोजल। नेक्स्ट यहाँ पे फिर नेशन स्टेट है, नेशन स्टेट को अगर आपको 3 मार्क्स में आए कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये वाली पिक देके पूछा जा सकता है, ये किसकी है? ये कवर ऑफ जर्मन अल्मैनिक डिजाइंड बाय जर्नलिस्ट एंड्रेस रेबमैन इन 1798। और इतना देखिए कंफ्यूज नहीं वैसे कर सकते, बट फिर भी आपको करना पड़ेगा, ये पिक दे सकते हैं, ठीक है। ये है क्या? जर्मन अल्मैनिक। अश्वित पता चल रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? विच पिक? ये वाली, ये है किसकी? जर्मन अल्मैनिक, रिचुअल कैलेंडर्स जो होते हैं, जर्मन अल्मैनिक डिजाइंड बाय रेबमैन, डिजाइंड बाय एंड्रेस रेबमैन, लर्न इट 1848 में। इमेज ऑफ फ्रेंच बेस स्टाइल बीइंग स्टॉर्म्ड बाय रेवोल्यूशनरी क्राउड हैज बीन प्लेस्ड नेक्स्ट टू सिमिलर पोर्ट्रेट्स मेंट टू रिप्रेजेंट द बेस्टिशन ऑफ डेस्पोटिक रूल इन जर्मन प्रोविंस ऑफ कैसल। अब इसमें बेस्टाइल फोर्ट का भी पूछा जा सकता है, बिकॉज आप 9th में पढ़ के आए हो तो यू नो इट वेरी वेल। बेस्टाइल फोर्ट था कहाँ पे? था फ्रांस, बेस्टाइल फोर्ट, इट्स रिटन हियर, तो जो दिया हुआ है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। बेस्टाइल फोर्ट फ्रांस, अकंपनिंग द इलस्ट्रेशंस इज द स्लोगन। अब स्लोगन सुनो, पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम। स्लोगन क्या है? पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम। रेबमैन लिव्ड इन द सिटी ऑफ मेंस एंड वाज मेंबर ऑफ जर्मन जैकोबिन क्लब। He was member of German Jacobin. It means France में तो Jacobin Club था, Germany में भी Jacobin Club बना। तो Rebman was the member of।
slogan, what was the slogan given by people? People must seize their own freedom. ये है किसकी पिक? जर्मन अल्मैनिक. जर्मन एंड डिजाइन बाय एंड्रिस रेबमैन. एंड्रिस रेबमैन. सिटीज पूछी जा सकती हैं, कहाँ कहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशनरी गए. कंट्रीज पूछी जा सकती हैं. नेक्स्ट, ये मैप यूरोप आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वियना. यूरोप आफ्टर द कांग्रेस. कांग्रेस ऑफ वियना मीन्स सेम है. कांग्रेस ऑफ वियना मीन्स, तो आपको कुछ भी पूछ सकते हैं. नेपोलियनिक कोड का ईयर है, हु वाज नेपोलियन, ये सारे क्वेश्चन. इसमें से जो जो मीनिंग निकलते हैं, जैसे ट्रेड यूनियन, ट्रेड एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स गिल्ड्स, तो ये पूछे जा सकते हैं. प्लांटिंग ऑफ, ये किसकी, ये क्या कर रहे हैं इसमें. प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन ज्यूब्रिक एंड ज्यूब्रिकन जर्मनी. क्या प्लांट कर रहे हैं? ट्री ऑफ लिबर्टी. ट्री ऑफ लिबर्टी जर्मनी में है ये. अब इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि फ्रेंच आर्मी जो है ना, फ्रेंच सोल्जर्स रेकोगनाइज्ड बाय देयर ब्लू व्हाइट एंड रेड यूनिफॉर्म. कौन से कलर की यूनिफॉर्म है फ्रेंच सोल्जर्स की? ब्लू व्हाइट एंड रेड. ब्लू व्हाइट एंड रेड यूनिफॉर्म है उनकी. ठीक है, तो इसको आपने ट्री ऑफ लिबर्टी कैरीज अ जर्मन इंस्क्रिप्शन विच इज ट्रांजिशन ट्रांसलेशन नीड्स टेक फ्रीडम एंड इन इक्वालिटी फ्रॉम अस. इसमें वो क्या कह रही हैं? टेक फ्रीडम एंड इक्वालिटी फ्रॉम अस. टेक फ्रीडम एंड इक्वालिटी फ्रॉम अस. तो नेक्स्ट इज, इसमें उन्होंने दिखाया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्रांस के सोल्जर्स दिखाए हैं, हरास सम यंग वुमेन, ठीक है, एंड साथ में उन्होंने जो कि उनके नीज पे झुके हुए हैं. मींस सोल्जर्स क्या कर रहे हैं? हरास कर रहे हैं लोगों को. फ्रेंच सोल्जर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर ब्लू व्हाइट एंड रेड यूनिफॉर्म. ऑप्रेसर है वो. As they seize a peasant's cart left, harass some young woman. तो इसमें वो क्या, ये जो क्या बता रहे हैं ट्री ऑफ लिबर्टी, वो क्या बता रहे हैं? इसमें इंस्क्रिप्शन है, एक उसमें क्या लिखा हुआ है? टेक फ्रीडम एंड. तो इसमें किसको कोरियर दिखाया हुआ है? नेपोलियन. नेपोलियन कब? After the battle of Leipzig, उसमें हारा था ना वो. After the battle of Leipzig, उसमें वो हार गया था नेपोलियन. In which year battle of Leipzig held? 1813. It's written here. In which year battle of Leipzig was held? 1813 बोला मैंने. 1813. तो ये कोरियर कौन है? नेपोलियन. आफ्टर किस बैटल के बाद, ये किस बैटल में हारा? तो बैटल ऑफ लिप्ज़िग. इन विच ईयर दिस बैटल वाज हेल्ड? 1813. नेक्स्ट, ये पिक्स में से कोई भी उन्होंने पिक दे देनी है. पता नहीं मुझे क्यों लग रही है जर्मन अल्मैनक वाली आ जानी आपको. नेक्स्ट इज, Napoleon invaded Italy in which year? Because it's not given, it's given here in the paragraph. ये इनमें दिया हुआ है. Napoleon Napoleon invaded Italy in people of Greece started their war of independence in which year? मैंने started word पूछा तो 1820. Greece became independent nation in 1830. Industrial workers, ठीक है, peasants revolt against economic hardship in which year? 1848. Unification of Italy.
1861 आपने याद रखना है यहाँ पे, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1870, स्लेविक नेशनलिज्म 1900, स्लेविक नेशनलिज्म गैदर्स फोर्स इन द हैब्सबर्ग एंड ऑटोमन एम्पायर, स्लेविक नेशनलिज्म 1905, ऑल दीज आर गिवन हियर इन दिस पैराग्राफ। नेक्स्ट, आपने पढ़ाई हुआ सब कुछ, हैब्सबर्ग एम्पायर, पैचवर्क ऑफ नंबर ऑफ रीजन, सो मैनी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम दिस पैराग्राफ। फॉर एग्जाम्पल, हैब्सबर्ग एम्पायर रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया एंड हंगरी एंड अल्पाइन रीजन इंक्लूडेड the Tyrol, Austria, Sudetenland, Tyrol, Austria and Sudetenland, Tyrol, Austria and Sudetenland. Half of the population spoke which language? Magyar. Half of the population spoke which language? In Galicia, aristocracy spoke. In Galicia, jo aristocrats means rich people, they spoke which language? Polish language. So you have to learn these. Take reading of this paragraph. Next, aristocrats. In Eastern Europe, land was, batao, Eastern Europe mein land was cultivated by, Eastern and Western Europe, dono batao. In Eastern and Central Europe, Serbs, and in Western Europe, small tenants, learn it. Liberal nationalism, suffrage means, first of all, it's given here, suffrage means, ek minute, agar aapko likh diya jaye, suffrage means, right to vote to all, right to vote to women, right to vote to male, only right to vote. राइट टू वोट आएगा, यूनिवर्सल वर्ड नहीं है साथ में, यूनिवर्सल होता तो सबको होता। सफरेज मींस राइट टू वोट, हमें क्या पता उन्होंने किनको दिया है ना, राइट टू वोट, सफरेज मींस राइट टू वोट को आपने सिलेक्ट करना है। लिबरल नेशनलिज्म, लिबरलिज्म का मीनिंग पूछ सकते हैं, लेटिन वर्ड लिबर, लिबर मींस फ्री। इसके डिफरेंट क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस बनने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूछा जा सकता है, इन पॉलिटिकल फील्ड लिबरलिज्म स्टैंड्स फॉर, अभी भी आया था पेपर में, इन इकोनॉमिक फील्ड लिबरलिज्म स्टैंड्स फॉर, लर्न ऑल, इन सोशल फील्ड लिबरलिज्म स्टैंड्स फॉर एंड इन, तीनों आपने लर्न करने हैं, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, कोई भी पेपर में एक देके पूछा जा सकता है कि लिबरलिज्म स्टैंड्स फॉर व्हाट, कोई भी सोशल, मैं सबके बोल देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल, राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट, जब इलेक्शन से रिलेटेड होएगा तो पॉलिटिकल, फिर सोशल, राइट टू प्रॉपर्टी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सोसाइटी को लेके, फिर इकोनॉमिक, राइट टू ट्रेड, फ्रीडम ऑफ मार्केट, राइट टू ट्रेड, फ्रीडम ऑफ, राइट टू वर्क भी हो सकता है, इकोनॉमिक फील्ड राइट टू वर्क भी हो सकता है। नेक्स्ट, जोलब्रिन क्या थी, ये passed with the initiative of, in which year, in 1833, traders traveling from which place to which, how many custom barriers they had to, and at each barrier they had to fix, for the measurement of cloth, what was, क्या number of centimeters in ile were same at each place, वैसे ये पूछ नहीं सकते, 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ है ना, ये इतना फ्रैंकफर्ट में है ना, फिर मेंस में पूछ ले, नूरेमबर्ग में पूछ ले, तो ठीक है, फ्रीबर्ग में पूछ ले, ऐसे करना, इसको एक फोन नंबर बना के ना, एक फोन नंबर बना लेना इससे, मैं बताती हूँ, 54.7 आपको याद रखना है, फ्रैंकफर्ट एफ 54.7, एम 55.1, ऐसे बना के लर्न करने पड़ेंगे आपको, एन 65.6, ये तो कितना इजी है, 65, फिर 6, नूरेमबर्ग का
नूरेमबर्ग का तो बहुत इजी है, एक मिनट, फ्रैंकफर्ट का 5-4 उल्टा ले दो ना, 5 को उल्टा कर दो, 5 फिर 4 फिर 7, नेक्स्ट मेंस 5-5 पॉइंट, वैसे मुश्किल नहीं है लर्न करने, एक बार रीडिंग ले लेना इनकी, हो सकता कोई इसी को ही डाल दे या किसी बच्चे के 40 आए ना, ऐसा वाला क्वेश्चन डाल दिया, फिर लर्न कर लेना एक बार प्लीज, कोई रिस्क नहीं लेना। नेक्स्ट कंजर्वेटिज्म, हाँ जी, व्हाट डू मीन बाय यूरोप इन दोज डेज व्हेन देयर वाज आइडिया ऑफ नेशन स्टेट वाज स्प्रेडिंग, यूरोप वाज ड्रिवन बाय कंजर्वेटिज्म, यूरोप वाज ड्रिवन बाय हु वाज ड्यूक मेटरनिच, अगर नीचे ऐसा दिया ही नहीं हुआ, ड्यूक मेटरनिच वाज, एक मिनट, रेवोल्यूशनरी या फिर कंजर्वेटिव या फिर लिबरल, so you have to write conservative, Duke Metternich was conservative, Treaty of Vienna was signed in May name to restore Bourbon dynasty in Confederation of Dash States of Germany, Saxony was given to Poland, was given to North Italy, was given to North Italy, take reading of this pick also, ये जो pick दी हुई है पेज नंबर I think 11, take reading, कोई भी pick आपने नहीं छोड़नी, Gossip Mezeny, founder of Young Europe in Brno was founded by Gossip Mezeny in which year? Because ये year कहीं पे नहीं दिया, तो इस पिक के साथ दिया हुआ, तो it can be asked. Young Europe in Brno was formed in which year? 1830. तो ये प्रिंटर का नेम भी तो पूछ सकते हैं, प्रिंटर का नेम भी पूछा जा सकता है, डिपेंड अपॉन द विश ऑफ एग्जामिनर, प्रिंटर का नेम मेंशनड है तो देखे ना, नेम ऑफ द प्रिंटर इज मेंशनड हियर, इट कैन बी आस्क्ड, मेज़नी वाज रेवोल्यूशनरी ऑफ विच कंट्री, इटलीज़ फुल नेम वाज, पूछा जा सकता है, और साथ में उसका ईयर ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, 24 इयर्स का था तो उसे कहां भेज दिया गया, इन विच ईयर ही वाज सेंट टू एन एग्जाइल, दोनों तरह से आ सकता है, कौन से ईयर में एग्जाइल भेजा, एट दैट टाइम ही वाज एट व्हाट एज, ही वाज ऑफ 1830 किसने बोला, मेटरनिच ने, किसके बारे में बोला, सोशल ऑर्डर का डेंजरस एनिमी, बिकॉज ही वॉज कंजर्वेटिव एंड ही वॉज, तो इसलिए दोनों में एनमिटी थी। फ्रांस में जुलाई में जो रिवोल्ट हुआ वो कौन से ईयर में हुआ, 1830, लिबरल रिवोल्ट, हु बिकेम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क ऑफ फ्रांस, लुइस फिलिप, ही वाज बिकेम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क ऑफ, एंड ही वाज मेड बाय कंजर्वेटिव और लिबरल्स, नो लिबरल्स, लिबरल्स ने किसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया, लुइस फिलिप, एंड ओवरथ्रो द मोनार्क ऑफ फ्रांस दैट वाज मेड बाय कंजर्वेटिव ड्यूरिंग द ट्रीटी ऑफ वियना, मींस 15 इयर्स के बाद दे ओवरथ्रो द बॉर्बन किंग एंड मेड लुइस फिलिप एज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क ऑफ फ्रांस। बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ in which month and year? In July,
1830 in July. Who said when France seizes Europe? क्रेडल ऑफ यूरोप किसे कहा गया? बिकॉज अदर ऑल द यूरोपियन कंट्रीज हैड ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर ग्रीक कल्चर, दे हैड ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर रोमांटिसिज्म, अ कल्चरल मूवमेंट, रोमांटिसिज्म, अ कल्चरल मूवमेंट, रोमांटिसिज्म, कल्चरल, लर्न इट, रोमांटिसिज्म, डिलक्रॉइक्स, French painter. In which year he prepared his painting? 1820. किनको cruel दिखाया और किनको किनके साथ cruelty होते दिखाया? People of, आप कह सकते हो कि कैसे Turks ने किनको cruelty से मारा? People of Greece. कैसे Greeks को Turks मार रहे हैं? जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉट फ्राइड हर्डर, जॉन गॉट फ्राइड हर्डर, तो उसका बर्थ का और डेथ का दोनों ईयर बताए हुए हैं, 1744 to 1800. हू वाज जॉन गॉट फ्राइड? जर्मन फिलोसोफर, जर्मन. ग्रिम ब्रदर्स बिलोंग्ड टू विच कंट्री? आप इनके नाम बताओ. विलहेलम एंड जैकब एंड विलहेलम, जैकब एंड कहा, कौन सी सिटी में इनका बर्थ हुआ? हनुआ, जर्मन की. अब कौन से ईयर में? 1785-86. इट मींस जैकब का बर्थ कब हुआ? विलहेलम 1786, हनुआ सिटी ऑफ जर्मन. इन विच ईयर पब्लिश देयर फोक टेल्स, फेरी टेल्स? 33 वॉल्यूम डिक्शनरी इन विच लैंग्वेज? उन दिनों ग्रीस किसके अंडर, सॉरी जर्मनी वाज अंडर द डोमिनेशन ऑफ, जर्मन वाज अंडर द डोमिनेशन ऑफ. नेक्स्ट, हु वाज कैरल कर्पिंस्की? पोलिश राइटर. कहां, कौन सी जेल्स में प्रेफर किया जाने के लिए? साइबेरियन जेल, बट दे डिडंट गिव देयर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन Russian language. They refused to give their religious instructions in which language? But they prefer to go to which jail? Siberian jail. 1831 का ही है. 1831 कैरल कर्पिंस्की वाला है. 1831 year is given here. Language played great role. Language played great role in spreading the feelings of nationalism. So, उसमें कैरल कर्पिंस्की है, 1831. आपको ये भी तो पूछ सकते हैं, language played great role in spreading the feelings of nationalism in Europe in which year? 1830. Hunger hardship revolt. Europe में 1830. Hunger hardship revolt in Europe took place in 1830. ये वॉक्स जीस का मीनिंग बताओ. वॉक्स जीस, वॉक्स जीस मीन्स स्पिरिट ऑफ नेशन. दास वॉल्क मीन्स, दास वॉल्क मीन्स कॉमन पीपल.